हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि भारत का संविधान क्या है, उसमें क्या लिखा गया है। इसके साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आईपीसी क्या है और इसमें क्या लिखा गया है, सीआरपीसी क्या है, सीपीसी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि आर्टिकल और सेक्शन इनमें क्या फर्क होता है, और इसके साथ ये भी जानेंगे कि लॉ किसे बनता है, यानी कि एक्ट किसे कैसे बनाया जाता है, फिर रूल और रेगुलेशन भी किसे कहते हैं, तो इन सब का मतलब क्या होता है, ये सब आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल इन्फॉर्मेशन जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं भारत के संविधान के बारे में, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है और इसे 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, यानी कि अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। अब भारत के संविधान में क्या क्या लिखा गया इसके बारे में बात करें तो इसमें भारत देश या कि हमारा देश कैसे चलेगा इसके बारे में ये लिखा गया है। इसमें ये भी लिखा गया है कि जो राष्ट्रपति है उनका क्या पावर रहेगा, प्रधानमंत्री है उनका क्या पावर रहेगा, मुख्यमंत्री होंगे उनका क्या पावर रहेगा, इसके साथ ही एमएलए एमपी होंगे उनका क्या पावर रहेगा, ये सारी चीजें भारत के संविधान में लिखी हुई है। इसके साथ ये भी लिखा गया है कि जो इलेक्शन होंगे वो किस तरीके से होंगे, वो भी इसमें लिखा गया है। और जो भारत का जो नागरिक होगा उसके क्या राइट्स होंगे, क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होगी, वो सारा कुछ भी भारत के संविधान में लिखा गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि अगर कोई लॉ बनता है यानी कि कोई एक्ट बनता है तो उसे किस तरीके से बनाया जाएगा, वो भी सारा कुछ भारत के संविधान में लिखा गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत देश कैसे चलाना है, किस तरीके से भारत देश को चलाया जा सकता है, ये सारी कुछ डिटेल भारत के संविधान में लिखी गई है। भारत का संविधान को काफी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि इसे काफी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और जो पार्ट्स के जो प्रोविजन है यानी कि इसके इसके जो रिलेटेड जो प्रोविजन है उसे आर्टिकल का नाम दिया गया है। यानी कि आपको बताऊं तो जो पार्ट वन है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र है पार्ट वन, और उसके रिलेटेड जो प्रोविजन है यानी कि चार जो प्रोविजन है वन, उसे आर्टिकल 1, 2, 3, 4 ऐसा नाम दिया गया है। कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर जाकर कोई भी लॉ नहीं बना सकती है। अब बात करते हैं कि आईपीसी के बारे में, तो इंडियन पिनल कोड में क्या बताया गया है। तो इंडियन पिनल कोड में किसी भी कार्य को यानी कि किसे ऑफेंस कहा जाएगा इसके बारे में बताया है, और अगर कोई ऑफेंस करता है तो उसे क्या सजा होगी, ये इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी में बताया गया है। यानी कि जो मर्डर है, रेप है, चोरी है, तो किसे चोरी कहा जाएगा, किसे मर्डर कहा जाएगा, किसे रेप कहा जाएगा, किसे मारपीट कहा जाएगा, यानी कि उसकी डेफिनेशन दी गई है आईपीसी में। और उसके बाद उस पनिशमेंट फॉर ऑफेंस यानी कि अगर जैसे कि सेक्शन 300 तो मर्डर की डेफिनेशन है, और उसके बाद 302 तो उसमें पनिशमेंट फॉर मर्डर यानी कि मर्डर में अगर कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसकी क्या सजा होगी उसके बारे में बताया गया। इसी तरीके से चोरी की डेफिनेशन बताई गई है, और उसके बाद चोरी का जो पनिशमेंट फॉर थेफ्ट उसे बताया गया, यानी कि जो भी अगर कोई कौन सा कार्य ऑफेंस होगा और किस चीज को करने पर उसे ऑफेंस माना जाएगा, वो सारे डिटेल इंडियन पिनल कोड में बताई गई यानी कि आईपीसी में बताई गई है, और इसके बाद उसके लिए क्या सजा का प्रावधान है वो सारा कुछ भी इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी में बताया गया है। अब बात करते हैं सीआरपीसी के बारे में, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो ये क्या होता है, तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी कि सीआरपीसी ये होता है कि जो भी ऑफेंसेस आईपीसी में बताए गए है उसके लिए किस तरीके से अगर कोई ऑफेंस करता है कोई व्यक्ति तो उसकी जो गिरफ्तारी होती है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, किस प्रोसेस से वो होगा उसके बारे में बताया गया है कि यानी कि गिरफ्तारी किस तरीके से की जाएगी, गिरफ्तार करने के बाद क्या प्रोसीजर रहेगी, कोर्ट में केस कैसे चलेगा, कोई किसी व्यक्ति को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कौन सा जो ऑफेंस है वो बेलेबल है या फिर नॉन बेलेबल है उसके बारे में बताया गया। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि अगर कोई बेल के लिए प्रोसेस करना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगी,
तो ये जो सारा जो आईपीसी में जो ऑफेंस है आईपीसी में उससे रिलेटेड उसके उसे कैसे किया जाएगा, यानी कि उसके लिए क्या प्रोसेस करने हैं, क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, वो सारी प्रोसीजर सीआरपीसी में बताई गई है। अब बात करते हैं सीपीसी के बारे में, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड के बारे में। जो आईपीसी है, जो ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस है, उसके लिए सीआरपीसी में बताया गया है कि इस प्रोसीजर करना है। लेकिन जो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, जो सिविल ऑफेंस है, उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से प्रोसीजर करना है, वो बताया गया है सीपीसी में, यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में। इसमें बेसिकली प्रॉपर्टी रिलेटेड जो मामले होते हैं उसके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आप केस फाइल करना है, या किस तरीके से आपको मुआवजा मिल सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसमें अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसके लिए क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्या प्रोसेस करनी होगी, तो ये सारा कुछ जो सिविल रिलेटेड मामले होते हैं उसका जो प्रोसीजर करना होता है उसके बारे में सीपीसी में बताया गया है। आपको एग्जांपल के तौर पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल दूं, तो अगर आप कोई इवेंट करते हैं और इसमें कोई सेलिब्रिटी को आप बुलाते हैं और एंड टाइम पर वो सेलिब्रिटी नहीं आता है और आपका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, तो आपको काफी नुकसान हो सकता है। तो आपके आपके नुकसान के बढ़तर के लिए, मुआवजे के लिए आप उस पर केस कर सकते हैं और आपको मुआवजा मिल सकता है। तो उसके लिए, लेकिन आप उसे सजा नहीं दिला सकते क्योंकि ये सिविल मैटर है। सिविल मैटर में ये बात है कि आप किसी भी व्यक्ति से मुआवजा के लिए केस कर सकते हैं लेकिन उसे सजा नहीं हो सकती है। तो जो प्रॉपर्टी रिलेटेड मामले होते हैं या कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड मामले होते हैं, जो क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होते, सिविल ऑफेंस होते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगी, किस तरीके से केस किया जाएगा, किस तरीके से प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, वो सारा कुछ सीपीसी यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड में बताया गया है। अब बात करते हैं आर्टिकल किसे कहते हैं और सेक्शन किसे कहते हैं, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल क्यों लिखा गया है, सेक्शन शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आर्टिकल यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया है वो फंडामेंटल रिलेटेड है, यानी कि मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकारों से रिलेटेड है, और उससे अगर कोई भी नॉर्म्स या कोई भी लॉ बनता है तो उसे बेस मान के बनाया जा सकता है, यानी कि उसे बेस मान के ही बना सकते हैं। तो जो जनरल लॉ है उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए है उसे इसलिए नाम दिया गया है आर्टिकल, यानी कि जो जनरल लॉ है उसे अलग रखने के लिए इसे आर्टिकल का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं सेक्शन के बारे में। तो जो आईपीसी सीआरपीसी उसमें सेक्शन का शब्द क्यों इस्तेमाल होता है, तो उसे भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया। हम अपनी सुविधा के लिए उसे काफी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसके भी सब पार्ट्स में उसे डिवाइड किया जाता है। यानी कि जो आईपीसी में आप देखेंगे तो ऑफेंस रिलेटेड टू ह्यूमन बॉडी, तो ये एक पार्ट होगा और उसमें सब पार्ट होंगे, जो मर्डर होगा, सुसाइड होगा, तो फिर मारपीट होगा, तो सारा कुछ आता है ह्यूमन बॉडी रिलेटेड। तो जो सब पार्ट होता है उसे नाम दिया गया है सेक्शन, यानी कि पार्ट्स के जो छोटे छोटे पार्ट है उसे सेक्शन का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं एक्ट, रूल और रेगुलेशन के बारे में। तो हमारे यहाँ दो संसद है, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा है। जब भी किसी भी लॉ का, जब भी किसी भी एक्ट बनता है, तो उसका सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है। तो वो ड्राफ्ट जब पार्लियामेंट में आता है तो उसे कहा जाता है बिल। उसके बाद उस बिल पर चर्चा होती है और फिर वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में से जब पास हो जाता है तो वो हो जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए जाता है, और जब राष्ट्रपति उन पर सिग्नेचर कर देते हैं तो वो बिल बन जाता है एक्ट। यानी कि किसी भी जो एक्ट होता है, जो लॉ होता है, वो सबसे पहले ड्राफ्ट होता है, ड्राफ्ट के बाद वो बिल बनता है और बिल के बाद वो एक्ट बन जाता है। अब बात करते हैं रूल के बारे में। तो रूल किसे कहा जाता है, तो जब कोई भी एक्ट बनता है तो उसे लागू करने के लिए, जो बेटर एनफोर्समेंट के लिए, जो सरकार जो नियम बनाती है, जो गवर्नमेंट जो नियम बनाते हैं, उसे रूल कहा जाता है। अब बात करते हैं रेगुलेशन के बारे में कि रेगुलेशन किसे कहा जाता है। तो जिस संस्था को जो इस रूल को जो फॉलो करना होता है वो अपने लिए जो बनाते हैं उसे रेगुलेशन कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं कि द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, तो उसका जो रूल है उसे कौन फॉलो करेगा, तो सेंट्रल ह्यूमन राइट कमीशन फॉलो करेगी और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन फॉलो करेगी। तो वो दोनों अपने लिए जो बनाएंगे उसे रेगुलेशन कहा जाएगा। यानी कि जो सेक्शन 10 के अंदर जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट है, उसके सेक्शन 10 के अंदर जो सेंटर है वो अपने लिए रेगुलेशन बनाएंगे, और जो सेक्शन 29 है उसके तहत
स्टेट कमीशन है वो अपने लिए रेगुलेशन बनाएंगे। तो इस तरीके से एक्ट, रूल और रेगुलेशन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आर्टिकल क्या है, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है, सीपीसी क्या है, सेक्शन किसे कहते हैं, एक्ट, रूल और रेगुलेशन क्या है, इन सारी सारी चीजों का इंफॉर्मेशन इस वीडियो में जानी। तो दोस्तों, कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल इन्फॉर्मेशन जैसे ही हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इसी वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।